इस तरीके से लगने वाला है। अब इस जगह से हमको काटने का जरूरत पड़ रहा है, तो ठीक उसी जगह से कटिंग, तो कटिंग का थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कटिंग के लिए यहाँ पे देखिए डॉट डॉट, और ये पॉलीफिक्स का ना स्प्रे कर देंगे। हाँ जी भाई लोग, अपने पास में आ चुका है इतना सारा नियोन का स्टॉक और सभी कलर लगभग यहाँ पे है, और ये अपना ऑफ वाइट कलर का एक रोल खुल गया है। यहाँ पे आप देखिएगा तो एक नियोन का पर बना हुआ है, तो इसको फिलहाल हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। और हम सोचे कि एक वीडियो हम अभी अपलोड कर ही देते हैं, क्योंकि विंग्स वाला वीडियो मेरे चैनल पे अभी तक हम नहीं डाले थे, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक में। तो एक पीस तो रेडी हो गया है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, एक पीस यहाँ बनाना बाकी है। तो एक पीस आपके सामने बना करके भी आपको दिखाते हैं, वायरिंग वगैरह सारा चीज़। अभी एक भाई कॉल किए थे, हमें मैसेज किए थे शायद व्हाट्सएप में, कि पूरा नियोन तो बना लियो, वायरिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, स्पेशल आपके लिए वीडियो है, तो कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल चालू करते हैं, तो वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में होगा, देख लीजिएगा, लेकिन जो जो डिटेल वाला बात होगा वो आपको दिखा। तो कटिंग का थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कटिंग के लिए यहाँ पे देखिए डॉट डॉट रहता है एक एक इंच में, तो इस जगह पे हमको इस तरीके से थोड़ा सा इधर ही करके कटिंग करेंगे ना, पूरा ब्लैक के ऊपर नहीं कटिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ से, ये देखिए नीचे की तरफ से इस तरीके से काट लेंगे। ये हो गया अपना वायरिंग करने के लिए, यहाँ से वायर करके भी वायरिंग सोल्डिंग करके निकाल लेंगे। और सोल्डिंग के लिए हम ये वाला वायर यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट वायर भी है अपने पास में, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत करता है सोल्डिंग होने में, थोड़ा सा परेशानी आता है, उसको हम नहीं यूज़ करते हैं, उसको लास्ट में हम केबल के लिए यूज कर देते हैं, बाकी वायरिंग इसी से करते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से छिल लेंगे हल्का सा और पेस्ट में लगा लिए, और इस जगह पे भी थोड़ा सा पेस्ट लगा करके यहाँ पे रंगा दे दिए। ये देखिए, अगर वायरिंग के लिए आप दो कलर का वायर यूज कर रहे हैं तब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, सिंगल कलर का ले रहे तो थोड़ा सा परेशानी आएगा। तो ये रबर का साइड का जो एरिया है वो हो जाता है प्लस अपना, तो ऊपर साइड में प्लस हम रेड कलर को रख देंगे प्लस, इस तरीके से। और नीचे वाला एरिया हो जाता है अपना माइनस, तो नीचे वाले एरिया में हम लगा देंगे ब्लैक कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये तो हो गया वायरिंग। अब इसको यहां से लगाना चालू करते हैं, वायर को पीछे पार करते हैं, सारा चीज फास्ट फॉरवर्ड में आप देखिए। अगर आप नियोन होलसेल प्राइस में थोक लेना चाहते हैं, जैसे कि 5 रोल 4 रोल इस तरीके से, तो फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर लूज लेना चाहते हैं तो फिर मेरे नंबर लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ थोक में अगर आपको मंगवाना हो बल्क क्वांटिटी में, तभी कांटेक्ट कीजिएगा। अब इस जगह से हमको काटने का जरूरत पड़ रहा है, तो ठीक उसी जगह से कटिंग कर लेंगे जहाँ पे दाग रहता है। हो गया, फिर अब यहाँ शुरू करते हैं। किसी किसी जगह पे ना नियोन चिपकने में बड़ा ही दिक्कत करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड डाल करके और ये पॉलीफिक्स का ना स्प्रे कर देंगे, तुरंत चिपक जाएगा। राउंड जहाँ ज़्यादा रहता है ना उस जगह पे ज़्यादा दिक्कत करने लगता है, जैसे यहाँ पे राउंड है, यहाँ भी दिक्कत कर रहा है, स्प्रे करेंगे जैसे ना बॉन्ड के ऊपर में, तुरंत चिपक जाता है। तो
अब बारी आता है पीछे का वायरिंग का। तो देखिए यहाँ से सिर्फ सिंगल वायर आया था ये यहाँ तक, बाकी सबका वायर एक ही जगह पे आ गया। तो सबको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इसमें भी सोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखिए मेरा पर निकल आया है, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिलहाल अभी यहाँ पे और भी चीज है, गिरना मत भाई, ऊपर में लगने वाला है ये ताज, समझ रहे हैं? ये ताज यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे जो सर के ऊपर में से सर्कल रहता है, फिर इसके ऊपर में इनका फर्स्ट मीट लिखा हुआ रहेगा इस जगह पे, फर्स्ट मीट। इसको भी ऑन करके आपको दिखा देते हैं, लोगों को हटाते हैं और फर्स्ट मीट को ऑन करते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरीके का नियोन पूरे इंडिया में घर बैठे अगर मंगवाना चाहते हैं रेडीमेड, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल कमेंट करते हुए जाइएगा, मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।